पढ़ते हैं हम लोग स्टैंडर्ड 9 GBSE की SS की लेसन नंबर 4 नेशनल मूवमेंट इन इंडिया इंट्रोडक्शन देखते हैं। ड्यूरिंग द स्टे इन इंडिया ब्रिटिशर्स बिकम अ फेमिलियर विद द पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ इंडिया। धीरे धीरे ब्रिटिशर्स इंडिया में रहने लगे और उनको जो इंडिया की पॉलिटिकल कंडीशन है उसके बारे में भनक होने लगी। द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी टुक द एडवांटेज ऑफ द पॉलिटिकल डिस्प्यूट्स और द इंटरनल वीकनेस ऑफ द इंडिया, और हमारी जो कमजोरी है पॉलिटिकल जो प्रॉब्लम है उनका उन्होंने फ़ायदा उठाया ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। फ्रॉम 1751 AD आफ्टर द क्रीपिंग इन टू द बंगाल, पहले 1751 में वो लोग बंगाल में घुस गए, टू द रिवॉल्ट ऑफ 1875 इट्स एस्टैब्लिश इट्स सुप्रीमेसी ओवर इंडिया इन इट्स 100 ईयर्स ऑफ रूल, और फिर 1875 तक उन्होंने अपनी जो महासत्ता होती है ना इंडिया पे, जो अपना कब्जा होता है वो जमा लिया था और 100 साल तक का रूल उन्होंने कर लिया था। इन ऑर्डर टू मेंटेन दिस सुप्रीमेसी इंग्लिश ग्रेजुअली डेवलप अ स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर्स इन अ कंट्री। उनकी पकड़ और बनाए रखने के लिए उन्होंने अपनी अच्छी खासी एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर्स को और ज़्यादा मजबूत कर लिया। थ्रू दिस एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर्स कॉमन लॉ, कॉमन एडमिनिस्ट्रेशन एंड द लीगल सिस्टम्स अकॉर्डिंग टू द ब्रिटिश सिस्टम्स कम इन टू द एक्सिस्टेंस। ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर्स हैं उनकी वजह से उनके जो कॉमन लॉ है, उनके एडमिनिस्ट्रेशन है, लीगल सिस्टम्स है और जो ब्रिटिश के अकॉर्डिंग धीरे धीरे अस्तित्व में आने शुरू हुई। Yet the English reside in an India establishing such a law and administration that England would get the more benefit. और English को मतलब British को ये पता पड़ने लगा कि किस हिसाब से और ज़्यादा maximum profit earn किया जाए। At the cost of India, they made the England prosperous and exploit India the most. देखने जाएंगे तो cost of India, इसका मतलब ये हो गया कि जो इंडिया के पैसों पर इंडिया के खर्चे पर वो ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लैंड को और ज़्यादा प्रॉस्परस कर रहे थे और ज़्यादा रीच कर रहे थे और इंडिया को बेवकूफ़ बना रहे थे। देखते हैं पहला द ग्रेट नेशनल अपराइजिंग ऑफ 1857। ये सब चीज़ें हो रही थी ना तो कहीं ना कहीं इंडियन जनता के मन में एक राउज जैसा था, गुस्सा जैसा था। सो यही लिखी हुई है ग्रेट नेशनल अपराइजिंग ऑफ 1857। 1857 को सब इकट्ठा हो जाएंगे, यार हम लोग को ये नहीं चाहिए। सम ऑफ द फैक्टर दैट कॉज द अपराइजिंग ऑफ 1857 और पॉलिटिकल डिससेटिस्फेक्शन। 1857 की अपराइजिंग गुस्से का सबसे बड़ा फैक्टर था पॉलिटिकल डिससेटिस्फेक्शन। जो पॉलिटिकल थिंग्स थी उससे लोगों को संतुष्टि नहीं थी। इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, जो पैसे की जो बर्बादी हो रही थी वो रीज़न था एक। सोशल रिलीजियस फैक्टर्स, सोशली सब अलग अलग लड़ रहे थे, रिलीजियसली सब अलग अलग एजेंडे खड़े कर रहे थे, अपने अपने अलग अलग एरिया में अपने अपने टॉपिक्स लेके खड़े थे। मिलिट्री फैक्टर, एन इमीडिएट रीज़न लाइक द इंट्रोड्यूसिंग ऑफ एनफील्ड राइफल इन द आर्मी। इसके अलावा भी मिलिट्री फैक्टर्स थे और दूसरा एक सबसे बड़ा रीज़न था उस टाइम पे आग लगाने वाला था वो एनफील्ड राइफल का इंट्रोडक्शन। हम लोगों ने लास्ट ईयर पढ़ा था कि एनफील्ड राइफल क्या है। ऐसी राइफल है जो इंग्लिश ने, ब्रिटिश ने यहाँ पे इंट्रोड्यूस की थी, जो इंडियन और मुस्लिम दोनों सेंटिमेंट्स को हर्ट कर देने वाली थी, और उसकी वजह से जो सोल्जर्स के बीच में जो गुस्सा हुआ था ये इसके बारे में बात कर रहा है। मंगल पांडे वॉज अ फर्स्ट मार्टियर ऑफ द अपराइजिंग, और मंगल पांडे ने पहली बार ही इसके खिलाफ लड़ाई शुरू की थी और वो पहले मार्टियरडम थे जिन्होंने अपनी जान गंवा दी थी इंडिया की भलाई के लिए। सेवरल रिवॉल्यूशनरीज है जैसे कि नाना साहेब है, टाटिया टोप, राजा कुंवर सिंह, रानी लक्ष्मीबाई, बहादुर शाह जफर, ये कुछ नाम हैं जिन्होंने यहाँ पे पार्ट लिया था। द अपराइजिंग ऑफ 1857 प्रोड्यूस मैनी इफेक्ट अमॉन्ग विच आर एंड ऑफ द कंपनी रूल इन इंडिया। 1857 के बहुत सारे रिजल्ट आ गए, बहुत सारे इफेक्ट आए। एक तो कंपनी जो रूल था ब्रिटिशर्स का वो एंड हो गया। रूल्स ऑफ द ब्रिटिश क्राउन्स, जो क्वीन विक्टोरिया थी, चेंजेस एडमिनिस्ट्रेशन, मिलिट्री, सोशल रिलीजियस पॉलिसीज, और जो उस टाइम पर जो ब्रिटिश की क्राउन चल रही थी क्वीन विक्टोरिया ने, उनका पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज कर लिया इंडिया में। द रीज़न रिस्पॉन्सिबल फॉर द फेलियर ऑफ 1857 अपराइजिंग एट द बिगिनिंग ऑफ अपराइजिंग बिफोर द प्लान टाइम, लैक ऑफ अ सेंट्रल लीडरशिप, इनसफिशियंट एंड द अनसोफिस्टिकेटेड वेपन्स, importance of the self-centered interest than the nationalism among revolutionary, lack of suitable organized leadership etc. देखने जाएंगे तो 1857 जो revolt थी उसके failure का सबसे बड़ा reason ये माना जाता है कि सब ना plan नहीं किया था कि कौन से time पे क्या करेंगे। central leadership नहीं थी, कोई एक leader नहीं था, सबके अलग अलग leader थे कि भाई हमारे area में से ये leader खड़ा होगा, ऐसा नहीं था कोई एक leader हो जो सब उसकी बात माने। दूसरा एक था weapons इतने sufficient नहीं थे, सब ना अपने अपने इंटरेस्ट के लिए लड़ रहे थे, झांसी है तो झांसी अपने इंटरेस्ट के लिए लड़ रहा था, राजस्थान है राजस्थान अपने इंटरेस्ट के लिए लड़ रहा था, कोई सेंट्रल मोटिव नहीं था कि हम लोग को इंडिया को आज़ाद कराना है। नेक्स्ट ऐसे था कि जो लीडरशिप थे उनकी सुटेबिलिटी भी ढंग से नहीं थी, मतलब वो जो लीडर है वो भी कोई ढंग से काम नहीं कर रहा था। तो ये कुछ उसके फैक्टर्स है जो 1857 के रिवॉल्ट के फेलियर के पीछे माना जाता है। यू हैव ऑलरेडी स्टडी दिस डिटेल्स इन द प्रीवियस क्लासेस, हम लोगों ने ये सारी डिटेल्स को ऑलरेडी लास्ट क्लास में स्टैंडर्ड 8 में ऑलरेडी बहुत डिटेल में पढ़ी हुई है। सो यहाँ पे और आगे लेसन्स को मूव करेंगे।
बॉयकट एंड द इंडिजिनियस मोमेंट. बॉयकट का मतलब ये हुआ किसी चीज़ को नहीं यूज़ करने के लिए सत्याग्रह करना, कोई मोमेंट करना, उसको बोलते हैं बॉयकट. और इंडिजिनियस मोमेंट मतलब जो इंडिया के अंदर जो भी सारी मूवमेंट हो रही है उसके बारे में बात करेंगे. बॉयकट एंड द इंडिजिनियस मोमेंट्स अलॉन्ग विद द भाग भाग मोमेंट वॉज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट इवेंट ऑफ द इंडियन नेशनलिस्ट मूवमेंट. सबसे इंपॉर्टेंट अगर रिवॉल्यूशनरीज के बारे में बात करें तो सबसे अच्छी मूवमेंट है दैट इज़ अ भांग भांग. बिकॉज ऑफ दिस डिवाइड एंड रूल पॉलिसी इज अ रिजल्ट ऑफ द ब्रिटिशर्स मंचवेलियंस पॉलिसीज बॉयकट्स एंड द इंडिजिनियस मूवमेंट्स गेट एन इम्पेटियस. देखने जाएंगे तो जो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी थी ये यही पॉलिसी की वजह से शांत हुई थी, क्योंकि ब्रिटिशर थोड़े बहुत ही फॉर्म में आ गए थे डिवाइड एंड रूल खेल के, राजाओं के बीच में फूट पड़वाना और फिर उनके राज को खुद हासिल कर देना. सो ये जो पॉलिसीज थी बॉयकट और इंडिजिनियस मूवमेंट जो लोगों ने कलेक्टिवली ये मोमेंट की थी, ये डिवाइड एंड रूल को कहीं ना कहीं नीचे पछाड़ देने वाला एक मूव हो था हमारे इंडिया के पीपल के द्वारा. बंगाल वॉज द बिग प्रोविजन एट द टाइम ऑफ द ब्रिटिश रूल. ब्रिटिश रूल के टाइम में बंगाल एक बहुत ही बड़ा प्रोविजन माना जाता था, विच इंक्लूडेड द प्रेजेंट डे ऑफ बंगाल, बिहार एंड ओडिशा. बंगाल प्रेजिडेंसी के बारे में बात करेंगे तो उसमें तीन स्टेट आ गई, दैट इज अ बंगाल, बिहार एंड ओडिशा. कंपेयर टू द अदर स्टेट, बंगाल सेंटर पॉइंट ऑफ नेशनल अवेकिंग के लिए माना जाता है. सबसे ज़्यादा अवेकिंग वही हुई, लोगों को थोड़ा ज्ञान हुआ कि नहीं यार ये ब्रिटिशर और ज़्यादा नहीं झेले जाएंगे. वैसे द इम्पेटियस एंड द थॉट ऑफ द नेशनल मूवमेंट कम फ्रॉम द बंगाल. और जो बंगाल से ही ये मोमेंट आई, ये थॉट प्रोसेस आया कि नहीं हमें आज़ाद होना है, हमें अकेला चाहिए, हमें इंडिपेंडेंट इंडिया चाहिए. इन 1857 रिवॉल्ट हिंदू मुस्लिम हैड द कलेक्टिवली फॉट द इंग्लिश. हिंदू और मुस्लिम कलेक्टिवली इंग्लिश के लिए फॉट करें, ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़े सब मिलके. दैट्स वाई टू द इंग्लिश स्ट्रेटजी डिवाइड एंड रूल दे इनकरेज द कम्युनिज्म एंड कॉज द डिविजन अमॉन्ग द पीपल. देखने जाएंगे तो इंग्लिश ने उस टाइम पे स्ट्रेटजी यूज़ की थी डिवाइड एंड रूल, जो हम लोगों ने अभी बात की, लोगों के बीच में फुट पड़वा के फिर उनका फ़ायदा उठा ले रहा. सो इनकी वजह से क्या हुआ, कम्युनिज्म को बहुत ही प्रमोशंस मिला, सब लोग ना ऐसे हिंदू मुसलमान के ऐसे टॉपिक पे लड़ने लगे थे एंड उसकी वजह से लोगों का डिवीजन हो गया था. और उस टाइम पे जो इंडो पाकिस्तान का जो डिवीजन हुआ था वो भी एक रीज़न माना जाता है. वाइसरॉय कर्स डिवाइड द वास्ट बंगाल प्रोविजन टू द ईस्ट बंगाल एंड द वेस्ट बंगाल. उसका एक और रिजल्ट भी आया कि बंगाल को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया और आज भी ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल अभी भी है. एडमिनिस्ट्रेटिव थोड़ा अच्छा चले वो पॉइंट ऑफ व्यू पे उन्होंने रीज़न दिया कि मेरे को एडमिनिस्ट्रेशन करने में ईजी पड़ेगा, सो डेट इज़ वाई एम डिवाइडिंग दिस बंगाल इंटू द टू पार्ट. देर वॉज अ स्ट्रॉन्ग अपोजिशन टू द डिवीजन ऑफ द बंगाल. बंगाल को अलग करने के लिए सब लोगों ने बहुत मनाई अपने हिसाब से पेश की थी कि नहीं यार हम लोग को बंगाल को अलग नहीं करना है. वैन द बंगाल वॉज डिवाइडेड ऑन 16 अक्टूबर 1905 द होल बंगाल ऑब्जर्व द डे एज अ नेशनल मॉर्निंग डे. 16 अक्टूबर को फाइनली बंगाल का डिवीजन हो जाता है और फिर वही दिन को अक्टूबर को 16 अक्टूबर 1905 को नेशनल मॉर्निंग डे, मतलब कोई मर जाता है तो कैसे हम लोग शौक पालते हैं ना वैसे करके, वो दिन को नेशनल मॉर्निंग डे की तरह सेलिब्रेट किया गया. द सेम डे द अनाउंसमेंट अबाउट द बॉयकॉटिंग ऑल द फॉरेन गुड्स एंड द एनकरेजमेंट टू द यूज ऑफ इंडिजिनियस गुड्स वॉज मेड. उसी दिन सब लोगों ने गुस्से में आके ये डिसाइड कर लिया था कि हम लोग कोई भी फॉरेन की चीज़ें अभी यूज़ नहीं करेंगे और हम लोग इंडिया में बनी इंडिजिनियस चीज़ों का ही इस्तेमाल करेंगे. नॉट मियरली अब बंगालीज बट द अदर इंडियंस ऑल्सो बिगेन्स टू बिलीव दैट दिस डिविजन हैड बीन डन टू द कर्टेन्स द वॉसीफेरस फीलिंग्स ऑफ द नेशनलिज्म दैट वॉज कैचिंग अप इन द इंडिया. लोगों को कहीं ना कहीं भनक हो गई थी कि ये इंडिया को तोड़ने की ब्रिटिश की चाल चली जा रही है, तो उनको ऐसा लगा कि नॉट बंगालीज बट बाकी सारे इंडियंस को ये भरोसा हो ही गया था. दैट वाइज हिंदू मुस्लिम टाइट्स राखीज टू ईच अदर्स और उस टाइम पे बहुत ही अनप्रडिक्टेबल और अनसीनेबल थिंग्स देखने को मिली थी. दैट इज़ अ हिंदू और मुसलमान एक दूसरे को राखी बांध रहे थे बंगाल टू एक्सप्रेस दर यूनिटी, ताकि ये दिखाना चाहते थे कि हम लोग एक साथ में है. दिस मोमेंट है 3 मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स और ये जो मूवमेंट हुई थी इसको 3 कैरेक्टरिस्टिक्स में डिवाइड करेंगे. एक थे अडॉप्ट इंडिजिनियस प्रोडक्ट, मतलब स्वदेशी चीज़ देश में बनी हुई चीज़ों का इस्तेमाल. बॉयकॉट फॉरेन गुड, फॉरेन में बनी हुई चीज़ों का बहिष्कार, मना कर देना है हम लोग फॉरेन की बनी हुई चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे. अडॉप्ट नेशनल एजुकेशन, हमारे इंडिया का जो एजुकेशन है, हमारे इंडिया का जो कल्चर है, एंशियंट थिंग्स है, वो बच्चों को पढ़ाई जाए. इंडिया बेनिफिटेड लॉट्स ड्यू टू दिस स्वदेशी मूवमेंट. और स्वदेशी मूवमेंट से मानो नहीं इतना फ़ायदा हो गया था, जो भी लॉस हो गया था, हमारे जो बिजनेस खत्म हो गए थे, उनकी ये स्वदेशी मूवमेंट की वजह से इंडिया को बहुत अच्छी खासी फ़ायदा हो गई थी. वाल द इंग्लिश इंडस्ट्री वॉज बैडली अफेक्टेड ड्यू टू द बॉयकॉट ऑफ द फॉरेन गुड और ब्रिटिश सबसे ज़्यादा इसमें नुकसान हुआ था उनका. द क्लोथ्स कमिंग फ्रॉम द मैनचेस्टर स्टॉप और जो भी मैनचेस्टर से जो भी चीज़ें आ रही थी वो स्टॉप हो गई सडनली इंडिया में आनी. शुगर, शुगर, सिगारेट, टबाकू, ये सब चीज़ें इंग्लैंड से इम्पोर्ट की गई और उनका जो प्रोडक्शन था वो रिड्यूस हो गया था. जो सेल्स थी इंडिया की बनी हुई वो धीरे धीरे इंक्रीज़ होने लगी थी.
फैक्ट्रीज थी जो इंडिजिनियस गुड बनाती थी वो स्टार्ट होने लगी, जो बंद हो गई थी। इफेक्ट ऑफ द मोमेंट वॉज फेल्ट इन एन अदर प्रोविजन ऑफ द इंडिया, जैसे कि पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, मुंबई, मद्रास, बिसाइड्स बंगाल, बंगाल के अलावा यहाँ ये सारी मूवमेंट को फील किया गया, यहाँ पे मूवमेंट हुई। द इको ऑफ द स्वदेशी मूवमेंट वॉज फेल्ट इन द गुजरात टू, और ये जो इफेक्ट है वो गुजरात में भी सुनी गई, ये मूवमेंट गुजरात में भी हुई। द इको ऑफ द मूवमेंट वॉज ऑल्सो फेल्ट स्ट्रॉन्गली इन ब्रिटिश पार्लियामेंट जस्ट विद इन द सिक्स ईयर। देखने जाएंगे तो ये जो भनक थी ना ये मूवमेंट की, वो ब्रिटिश पार्लियामेंट तक पहुँची, ये उसकी गूंज। उन्होंने भी डिस्कस किया कि यार ये तो बहुत ही कंसर्न टॉपिक हो गया कि हमारे गुड्स बिकने बंद हो गए इंडियन मार्केट में, उनके बिकने शुरू हो गए। द डिवीजन ऑफ द बंगाल वॉज क्रैप्ड आफ्टर रीथिंकिंग बाय द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में वापस से सोचा कि जो हम लोगों ने बंगाल को डिवाइड किया भाई, कि कहीं उसका तो नतीजा नहीं है क्या, हम लोग इसको वापस से रीयूनाइटेड कर लेते। स्टार्टेड थिंकिंग ऑन दिस ऑल दिस थिंग्स, दिस वॉज मेमोरेबल विक्ट्रीज बाय द इंडियंस। और देखने जाएंगे तो ये रिमार्केबल विक्ट्रीज मानी जाती है इंडियन की, द विक्ट्री ऑफ द रिलेटलेसनेस यूनाइटेड रिफॉर्म्स। ऐसा माना जाता है कि जो यूनाइटेड एफर्ट्स है सब लोग इकट्ठा जो हो गए उनका रिजल्ट माना जाता है। दिस वॉज अ नॉट वर्दी विक्ट्री ऑफ द न्यू अवेकिंग अगेंस्ट द इंग्लिश रूल, और इसको ब्रिटिशर्स के सामने इंडिया की पहली पहल मानी जाती है और अवेयर होने के लिए कि वो जो कर रहा है वो गलत है। नेक्स्ट देखते हैं मुस्लिम लीग 1906 जो मोहम्मद अली जीना ने करी हुई थी। बाय अडॉप्टिंग डिवाइड एंड रूल पॉलिसी द इंग्लिश वॉन्टेड टू क्रिएट द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम। मैंने आपको आगे भी बताया हिंदू और मुस्लिम की यूनिटी ना सबको बहुत ही भारी पड़ी थी, स्पेशली ब्रिटिशर्स को। तो उनको क्या था, डिवाइड एंड रूल पॉलिसीज खेल के इसकी बात इसको, इसकी बात उसको थोड़ी उल्टा के बताते थे। तो वैसे करके हिंदू और मुसलमानों का मोटिव ये था कि हिंदू और मुसलमान को भड़काएंगे तो इंडिया की यूनिटी वैसे भी टूट जानी थी। देन वाइसरॉयज लॉर्ड मिंट एंड देन इंडियन वाइसरॉयज मोली टुगेदर्स प्लान टू क्रश द इंडियन नेशनलिज्म, और ये दोनों ब्रिटिशर्स ने चालबाजी करके ये पॉलिसी डाली डिवाइड एंड रूल, ताकि हमारी जो इंडियन की नेशनलिज्म है उसको कुचला जा सके। वेन द नेशनल फाइट बिकम स्ट्रॉन्गर, जैसे जैसे जो नेशनल फाइट है वो स्ट्रॉन्ग होने लगी, इंग्लिश बिगेन टू फेवर द अपर क्लास मुस्लिम, और जो इंग्लिश है धीरे धीरे जो अपर क्लास मुस्लिम है उनकी फेवर लेने लगी, उनके बारे में अच्छा बोलने लगी। द इंग्लिश बिकम सक्सेसफुल इन कन्विंसिंग द ग्रुप ऑफ मुस्लिम दैट दे मस्ट हैव फ्रॉम देन मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन टू डिमांड फॉर द सेपरेट वोटिंग राइट एंड सेपरेट वोटिंग सेंटर। कैसे वैसे करके ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे मुस्लिम को टारगेट करके उनको ये कन्विंस कर लिया कि यार तुम लोग का तो अलग लीग होना चाहिए, या तुम लोग को अलग से वोटिंग राइट मिलने चाहिए, तुम लोग को सेपरेट वोटिंग राइट मिलने चाहिए, तुम लोग का वोटिंग सेंटर अलग होना चाहिए। और कहीं ना कहीं मुसलमान ब्रिटिशर्स की बातों में आ गए। एज अ रिजल्ट जो मुस्लिम लीग है वो 1906 में फॉर्म हुई। उनके जो रिलीजियस हेड थे मुस्लिम अगर खान और नवाब ऑफ ढाका सलीमुल्ला खान एंड द वाइसरॉय मिंटो एंड हिज पर्सनल मिनिस्टर्स डनलॉप स्मिथ, उन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया ये ऑर्गेनाइजेशन को एस्टैब्लिश करने में, इन ऑर्डर टू स्टॉप द मुस्लिम फ्रॉम अटेंडिंग द एनुअल कॉन्फ्रेंस ऑफ कांग्रेस। द एनुअल कॉन्फ्रेंस ऑफ द मुस्लिम लीग वॉज अरेंज ऑन द सेम डे एज दैट ऑफ अ कांग्रेस। देखने जाएंगे तो जो मुस्लिम की जो कॉन्फ्रेंस है स्टॉप करने के लिए कांग्रेस की मीटिंग भी वही दिन रखी गई। दस द डिमांड फॉर द सेपरेट रिप्रेजेंटेशन इज द ब्रेन चाइल्ड ऑफ द मुस्लिम बट दैट ऑफ द इंग्लिश पॉलिसी। इंग्लिश का यहाँ पे जो मकसद था वो कामयाब हो गया। उन्होंने उसी दिन को मीटिंग रखी जिस दिन वो इंग्लिश की जो उन्होंने जो मुस्लिम की जो जो लीग बनाई थी उसकी जो मीटिंग थी उसकी वजह से उनको ना और ज़्यादा गुस्सा आ गया कि यार हमारी लीग बनाई है तो हमारी मीटिंग कब होगी। इंग्लिश तो कहीं ना कहीं यही चाहते थे, ब्रिटिशर तो कहीं ना कहीं यही चाहते थे कि यार ये ऐसा ही हो, उनकी ये ब्रेन चाइल्ड हो जाए ना कि एक बार छोटे बच्चों को घुस गया कि नहीं यार ये मेरे साथ गलत हो रहा है, अब तो मैं कुछ नहीं करूँगा। सो वैसे करके मुस्लिम को ना ये चीज़ खटक गई जो कांग्रेस की मीटिंग सेम डे पे हुई और उनकी नहीं हुई। ठीक है, सो उसकी वजह से हुआ क्या, दैट मिंटो स्टार्टेड द पॉलिसीज ऑफ द टेकिंग मुस्लिम एज एसोसिएटेड। देखने जाएंगे तो जो मिंटो थे उन्होंने मुस्लिम को एसोसिएटेड मानना शुरू कर दिया था। दैट्स वाई मैनी राइटर्स कंसिडर मिंटो एज अ फादर ऑफ द मुस्लिम कम्युनिज्म। बहुत लोगों ने मिंटो को मुस्लिम कम्युनिज्म का फादर मानना शुरू कर दिया था। द हिस्टोरियंस ऑल्सो गोज टू द एक्सटेंस ऑफ सेइंग दैट द रियल क्रिएटर ऑफ द पाकिस्तान वॉज नॉट द मोहम्मद अली जीना और द रहित मुल्ला बट लॉर्ड मिंटो। लोग ये भी कहने लगे कि पाकिस्तान के जो क्रिएटर थे वो मोहम्मद अली जीना नहीं थे या फिर रहित मतुल्ला नहीं थे बट लॉर्ड मिंटो थे। सिंस देन ओनली द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन हिंदू मुस्लिम्स इंक्रीज एंड रिजल्ट इन द डिवीजन ऑफ इंडिया। और उसके बाद हिंदू और मुस्लिम की जो भी थी फाइटिंग थी वो और ज़्यादा बढ़ती गई और उसका रिजल्ट आया कि इंडिया का जो डिवीजन है वही करना पड़ा। बट एंड द डेवलपमेंट ऑफ द एक्सट्रीम रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट देखेंगे। रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी इन इंडिया वो स्टार्टेड बाई वासुदेव बलवंत पालके। रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी स्टार्ट करने वाले जो पर्सन थे वो थे वासुदेव बलवंत पालके। रिवॉल्यूशनरीज थे जैसे कि दामोदर चाफेकर
और बालकृष्ण चपेकर्स ब्रदर्स, वीर सावरकर, बद्रीनाथ घोष, खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी, राम प्रसाद बिस्मिल, असफकुल्लाह खान, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, शिवराम राजगुरु, सुखदेव, बतुकेश्वर दत्त, रोहन सिंह एक्सेट्रा कैरीड ऑन द टॉर्च ऑफ नेशनलिज्म। ये यहाँ पे कुछ नेशनलिज्म के नाम दिए हुए हैं, इन्होंने रिवॉल्यूशनरी स्टार्ट की हुई थी। यू ट्रेन इन मेकिंग द यूजिंग द वेपन वर कॉन्स्टेंट स्ट्रेट फॉर द इंग्लिश गवर्नमेंट। यूथ को ट्रेन करना और उनको वेपन यूज़ करवाना, ये उनका इंग्लिश का बहुत ही ब्रिटिशर्स का पहले से डर रहा था। फियर रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट बिगिन इन इंडिया। धीरे धीरे इंडिया में एक डर के बिना वाली रिवॉल्यूशनरी शुरू हो गई, स्प्रेड इन दिन अदर कंट्री एज वेल। धीरे धीरे बाकी सारी कंट्रीज़ में भी ये सब चीज़ें फैलती गई। सर्कमस्टेंस इन एंड बैकग्राउंड्स वर कैंसर्स ऑफ द पार्टीशन ऑफ द बंगाल, द पार्टीशन ऑफ द टू ग्रुप इन एन झलाल, दैट मीन्स रेडिकल्स एंड द मावल, दैट मीन्स मॉडरेट्स, एट द कांग्रेस कॉन्फ्रेंस इन सूरत 1907। यहाँ पे ऐसा बोल रहा है कि ऐसे सर्कमस्टेंसेस आ गए कि बंगाल में पार्टीशन के बाद दो ग्रुप बन गए थे, एक तो रेडिकल्स और एक मॉडरेट। मॉडरेट की जो पॉलिसी होती थी वो थोड़ी लाइट होती थी और रेडिकल्स हमेशा उल्टा ही करते थे। टेरिफिक अपोजिशन टू द प्रैक्टिस ऑफ द कांग्रेस ऑफ द मेकिंग ओनली द रिजोल्यूशंस एंड रिक्वेस्ट। लाल बाल एंड पाल, ये ट्रायड तीन पर्सन का नाम है, लाल बाल एंड पाल अडॉप्टेड द रेडिकल्स एटीट्यूड, और ये तीनों का एटीट्यूड रेडिकल था, अगेंस्ट था। ब्रॉट द न्यू लाइफ इन द यंग इंडियन एक्टिविटी, और वो इंडिया की जो एक्टिविस्ट थे उनके अंदर एक नया चेंजेस लाना चाहते थे। लेदरटेक पॉलिटिक ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस गॉट अ सॉलिड न्यू टर्न, और जो नेशनल कांग्रेस का जो फॉर्मेशन था, उनकी जो पॉलिसीज थी, ये इनकी वजह से इन लोगों में एक अलग सा चेंजेस आया। यहाँ पे कुछ जो नेशनलिस्ट हैं उनके फोटो दिए हुए हैं। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, अब बाजू में उनकी पिक देख सकते हो, उन्होंने डिक्लेयर किया था फॉर्मली कि दैट फ्रीडम इज़ माई बर्थ राइट एंड आई विल अचीव इट एनी हाउ, कि जो फ्रीडम है वो मेरा, जब मैं जब बॉर्न होता हूँ तब से मुझे वो राइट मिलता है और मैं उसको अचीव करके ही रहूँगा। दिस बिकम द मैक्सिम फॉर द रिवॉल्यूशनरी फ्रीडम फाइटर। देखने जाएंगे तो ये फ्रीडम फाइटर का एक मैक्सिमम रेजिम था और उनका एक मोटो सा बन गया था। एट द टाइम द ग्रुप ऑफ द इंडियन यूथ अंडरटुक द एक्टिविटी टू सीक द फ्रीडम फ्रॉम द फॉरेन रूल। इन ड्यूरेशन में जो इंडिया का यूथ था वो फॉरेन रूल से फ्रीडम की कुछ ना कुछ जो क्या बोलते हैं कुछ सॉल्यूशंस है वो ढूंढता रहता था। दिस एक्सट्रीम रिवॉल्यूशनरी वर मोर देन द हैप्पी टू सेक्रीफाई द लाइफ फॉर द मदरलैंड, और ये जो रिवॉल्यूशनरीज थे इतनी हद तक भी जाने के लिए रेडी थे कि वो अपनी मदरलैंड इंडिया के लिए जान भी दे सकते थे। दे कुड गिव अप हिज लाइफ टू टेक द लाइफ इन एन ऑर्डर टू अटेन द फ्रीडम, और वो अपनी जान भी दे सकते थे फ्रीडम अचीव करने के लिए। रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज स्प्रेड इन महाराष्ट्र, बंगाल, पंजाब, बिहार, ओडिशा, गुजरात, राजस्थान, मद्रास प्रोविजंस, उत्तर प्रदेश, सेंट्रल इंडिया। रिवॉल्यूशन एक्टिविटी धीरे धीरे ये सारे प्रोविंस में शुरू होने लगी। ये एक्टिविटीज़ में समवर लाइक द मित्र मेला सोसाइटी, अभिनव भारत समाज, अनुशीलन समिति, अंजुमने मूलन वतन, ये कुछ यहाँ पे समिति के नाम है, कुछ एक्टिविटी के नाम है। इंडियन के जो पेट्रोनिस्ट थे, जो बहुत ही मानते थे कि भारत माता के लिए कुछ करना है, उन्होंने इंडियन पेट्रोइट एसोसिएशंस बनाया, दस गेव द इम्पैक्ट यस टू द रिवॉल्यूशन एक्टिविटी, और ये सारी जो रिवॉल्यूशन एक्टिविटी को सपोर्ट करने का काम करते थे। इन द फर्स्ट स्टेज न्यूज़पेपर मैगजीन्स लाइक द युगंतर, नवशक्ति, वंदे मातरम, केसरी, मराठी गिव द कांस्टेंट स्ट्रेंथ टू द एक्टिविटी, और ये सारे जो न्यूज़पेपर थे ये कांस्टेंट एक्टिविस्ट को सपोर्ट देने का काम करते थे। जो भी ये पढ़ते थे वो इसमें अपने आप को झोंक देते थे उनके विचारों में, और वो भी ऐसा सोचने शुरू कर देते थे कि यार हमें भी आज़ादी चाहिए। तो नॉर्मल पीपल तक पहुँचने का ये बहुत अच्छा जरिया सा बन गया था। अबाउट 34 रिवॉल्यूशनरीज वर प्रोसिक्यूट्स इन दिन अलीपुर मैसेकर्स। देखने जाएंगे तो 34 रिवॉल्यूशनरीज अलीपुर मैसेकर्स में, वहाँ पे जो मोमेंट हुई थी वहाँ पे कलेक्ट हुए थे। सेवरल रिवॉल्यूशनरीज वर अरेस्टेड इन देन हावड़ा मैसेकर्स एंड देन ढाका मैसेकर्स। देखने जाएंगे तो यहाँ पे दो सत्याग्रह हुए थे, हावड़ा और ढाका, वहाँ पे बहुत सारे रिवॉल्यूशनरी पकड़े भी गए थे, अरेस्ट हो गए थे। अटेम्प्ट टू द किल द लॉर्ड हैडिंग्स बाय थ्रोइंग अ बॉम्ब, ड्रॉपिंग द बॉम्ब ऑन देन वाइसरॉय मिंट ऑन देन November 13, 1909 आउटसाइड द रायपुर दरवाजा इन देन अहमदाबाद कैन ऑल्सो गिवन एज एन एग्जाम्पल ऑफ दिस। लोग इतना हद तक आ गए थे, लगभग November 13, 1909 की बात है, उन्होंने लॉर्ड हैडिंग्स को मारने के लिए बॉम्ब भी फेंका था और वाइसराय मिंटो के ऊपर भी बॉम्ब फेंका था उनको जान से मारने के लिए अहमदाबाद में रायपुर दरवाजा के पास। ये उनका अंदर का जो गुस्सा था वो शो कर रहा था। इन सेकेंड स्टेज इवेंट लाइक द काकोरी लूट केस, लाहौरी मैसेकर्स, ड्रॉपिंग ऑफ द बॉम्ब ऑन एंड सेंट्रल पार्लियामेंट टुक प्लेस। धीरे धीरे करके एक के बाद इवेंट होने लगे।
काकोरी लूट केस हुआ, फिर लाहौरी मैसेकर हुआ, फिर वापस से उन्होंने सेंट्रल पार्लियामेंट जो दिल्ली पे बैठती थी वहाँ पे बॉम्ब फेंका। यू हैव ऑलरेडी स्टडीज अबाउट द अदर रिवॉल्यूशनरी एंगेज इन द ऑल द एक्टिविटीज। हम लोग आगे कहीं ना कहीं ये बॉम्ब फेंकने वाला सीन, मंगल पांडे पकड़े गए थे, फिर उन्हें जेल हो गई थी, उन्हें फांसी हो गई थी, ये सारी चीज़ें हम लोग कहीं ना कहीं पिछले स्टैंडर्ड में पढ़ के आए हैं। नेक्स्ट बात करते हैं फियर्स रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट इन द गुजरात। श्री अरबिंदो घोष वॉज अ पायनियर ऑफ द आर्म रिवॉल्यूशनरी इन गुजरात। गुजरात के जो पायनियर जब भी रिवॉल्यूशनरी हुए थे उसके बेस अरविंद घोष को माना जाता है, बट ही रिमेन्स बिहाइंड द कर्टन्स। वो हमेशा ये चीज़ें पर्दे के पीछे से करते थे, पर्दे के पीछे मतलब वो ये एक सारे काम किसी और से करवाते थे। हिज ब्रदर बरिंद्र कुमार घोष ऑलवेज रिमाइंस इन द फ्रंट फोर फ्रंट। वो ये उनके भाई थे, वो हमेशा आगे पढ़ के काम करते थे और वो हमेशा लाइमलाइट में रहते थे। ही अराइव इन द गुजरात एंड मूव टू द सदर्न पार्ट। वो गुजरात गए, गुजरात में आए और फिर वो सदर्न पार्ट धीरे धीरे मूव करने लगे और वहाँ पे वो मिले श्री छोटू भाई को और श्री अम्बू भाई को, पुराने को, जो उनके कंपेनियन थे। सकरिया स्वामी मेट हिम ऑन द बैंक ऑफ द नर्मदा। सकरिया स्वामी ये उनको नर्मदा नदी किनारे मिले। दिस स्वामी वॉज एसोसिएटेड विद द क्वीन ऑफ झांसी एट द टाइम ऑफ रिवॉल्यूशन 1857। और ये स्वामी का एसोसिएशन जब झांसी के ऊपर लड़ाई हुई थी, रिवॉल्ट हुई थी, तब भी ये लोग का एसोसिएशन था। बरिंद्र कुमार इन्वॉल्व सम ऑफ द मिडिल क्लास यूथ फ्रॉम द वडोदरा छाड़ोत्तर रीजन जो खेड़ा है अहमदाबाद का, मैसाना इन द रिवॉल्यूशन। अंदर के जो कॉमन मैन थे जो ऐसे रिवॉल्यूशनरी में अपने आप को देखना चाहते थे, जो ऐसे जज्बा रखते थे, ये कॉमन मैन को भी अंदर ये रिवॉल्यूशन के अंदर ऐड कर लेते थे। इन दिस रीजन बगरी ऑफ द वाइसरॉयज मिंटो वॉज बॉम्ब आउटसाइड एट द रायपुर दरवाजा इन अहमदाबाद। और इन्होंने मिल के ही रायपुर के जो दरवाजे थे वहाँ से दरवाज़ा था अहमदाबाद में, वहाँ पे वाइसरॉय मिंटो पे बॉम्ब गिराने का काम को अंजाम दिया था। श्री अरबिंदो घोष डिस्क्राइब द स्कीम फॉर द रिवॉल्यूशंस इन हिज नेम ऑफ भवानी मंदिर। उन्होंने ये पूरा जो सीन है वो भवानी मंदिर उनकी बुक है, उनके अंदर रिवॉल्यूशन की जो बुक है उनके अंदर डिस्क्राइब किया था। और अरबिंदो घोष ने इट वॉज ऑल्सो ट्रांसलेटेड इनटू गुजराती एंड पब्लिश इन इन जर्नल ऑफ दक्षिणा। बिसाइड्स दिस बुकलेट विद अ टाइटल लाइक अ देशी वनस्पति दवाओ, देखने जाए तो अलग अलग बुकलेट के नाम पे ये इशू की गई थी। दूसरी कुछ बुक है वो है नहावना साबू बनावनी रीच कशरत गुलाब नो किस्सो खायदा नो संग्रह एक्सेट्रा फॉर पब्लिशिंग इन ऑर्डर टू स्प्रेड द थॉट ऑफ रिवॉल्यूशन। और ये सारी चीज़ें एज ए बुक के नाम ऐसे रखे गए हैं और अंदर जो रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी है वो लिखने शुरू हुई और वो लोगों के माइंडसेट तक पहुँचाने के लिए ये मकसद से लिखी गई थी। एंड सो द ब्रिटिश वॉन्ट अंडरस्टैंड दिस। सो ब्रिटिश को ये समझ में नहीं आई। बुकलेट कंटेन द मैथड ऑफ द प्रिपेरिंग बॉम्ब, जिसके अंदर बॉम्ब बनाने की रेसिपीज लिखी थी। अगर आप टाइटल रीड करोगे तो आपको लगेगा किसी खाने की बुक के बारे में है या फिर किसी अलग कसरत के बारे में है। कसरत का मतलब ये हुआ एक्सरसाइज के बारे में है। यू जस्ट गेट नो आइडिया। वैसे ब्रिटिश को भी आइडिया ही नहीं आया। गंगानाथ विद्यालय वॉज एस्टैब्लिश नियर द छडोर करनाली वर सीक्रेटली रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी वर कैरिड आउट। एक विद्यालय बनाया गया वहाँ पे सीक्रेटली ये सारी एक्टिविटी होने शुरू हो गई। बॉम्ब कैसे बनाते हैं, गन कैसे चलाते हैं। मैनी गुजरातीज यूथ जॉइंस दिस रिवॉल्यूशंस अगेंस्ट द होम स्टर्न एक्शंस वॉज टेकन बाय द गवर्नमेंट। और बहुत सारे गुजराती यहाँ पे ज्वाइन हुए, गवर्नमेंट ने बहुत सारे यहाँ पे एक्शंस लिए उनके खिलाफ, बट द फाइट डिड नॉट स्टॉप। फाइनली गवर्नमेंट रियलाइज दैट द सप्रेशन वुड नॉट हैव टू द रूल ओवर द इंडिया। धीरे धीरे ब्रिटिशर को समझ में आ गया कि अभी शायद इंडिया को संभालना हमारे बस में नहीं रहेगा। रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट देखेंगे फॉरेन कंट्रीज में क्या क्या थी, ऐसा नहीं थी इंडिया में चल रही थी ये सारी एक्टिविटी। फॉरेन में जो इंडियंस रहते थे वो भी ये कहीं ना कहीं ये रिवॉल्यूशंस को मदद करते थे। रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट फॉरेन के अंदर जो बिगिंग हुई थी वो इंडिया को ब्रिटिश रूल से आज़ाद करने के पर्पज़ से हुई थी। जहाँ पे अगर कुछ रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी अगर बिगिन इन इंडिया, धीरे धीरे अलग अलग पार्ट में जो अलग अलग कंट्रीज़ में पहुँची थी, वो कंट्रीज़ के नाम है इंग्लैंड, कैनेडा, अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, म्यांमार, बर्मा, मलाया, सिंगापुर, अफगानिस्तान एंड रशिया। द एक्टिव रिवॉल्यूशनरी हु टुक पार्ट इन द रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी इन फॉरेन कंट्री आर। फॉरेन में कौन कौन से जो रिवॉल्यूशनरी थे उन्होंने ये पार्टिसिपेशन दिया था उसके बारे में बात करते हैं। श्यामजी कृष्ण वर्मा, मदन लाल ढींगड़ा, वीर सावरकर, लाला हरदयाल, उधम सिंह, राजा महेंद्र प्रताप, मैडम भिखाजी कामा, सरदार सिंह राणा, मौलाना अब्दुल्ला, मौलाना बशीर, चंपक रमन पिल्लाई, डॉक्टर मधुर सिंह खुदरबख्श वर एसोसिएटेड विद दर एक्टिविटी। ये कुछ यहाँ पे रिवॉल्यूशनरीज के नाम लिखे थे जो फॉरेन में रहने के बावजूद भी ये इंडिया की जो सारी एक्टिविटी थी उन्हें सपोर्ट करते थे।
The revolutionary activity in foreign countries give the impetus to the revolutionary activity in India. और जो फॉरेन में जो रिवॉल्यूशनरीज काम करते थे ना, ये इंडिया की जो एक्टिविटी थी उनको कहीं ना कहीं सपोर्ट करने लगे थे. पिस्टल्स वर बीइंग सीक्रेटली सेंट टू द इंडिया फ्रॉम द इंग्लैंड अलोंग विद इन ब्लीडिंग ऑफ द कुक. देखने जाएंगे तो फॉरेन की जो पिस्टल थी वो इंडिया के अंदर भेजी गई थी यही रिवॉल्यूशनरीज के थ्रू. मंडलास डिंगरास किल द विलियम्स वाइलीज हु यूज टू क्रिटिसाइज द रिवॉल्यूशनरीज. मदनलाल डिंगरा ने जो विलियम्स वाइलीज को है उनको मार डाला था रिवॉल्यूशनरीज के खिलाफ बोलने के लिए. इन 1907 द इंडियन इंडिपेंडेंट लीग वॉज एस्टेब्लिश इन कैलिफोर्निया अमेरिका विच वॉज लेटर नेम एज द गदर पार्टी बाय द लाला हरदयाल. उन्होंने 1907 में इंडियन इंडिपेंडेंट लीग की एस्टेब्लिश की थी कैलिफोर्निया में अमेरिका में, जिनको लेटर ऑन लाला हरदयाल ने एक्चुअली गदर पार्टी का नाम दिया था. और वीकली नेम गदर वॉज पब्लिश इन फोर लैंग्वेज. और ये जो गदर लैंग्वेज, ये गदर के जो गदर पार्टी की जो भी पब्लिशिंग थी वो चार लैंग्वेज में छपती थी. तारकनाथ दास और द करतार सिंह ये एक्टिविटी में ज्वाइन हुए लेटर ऑन. चंपक्रमन पिल्लई फॉर्म देन हिंद रात्रिया स्वयं सेवक दाल इन द जर्मनी प्लान वॉज मेड टू अटैक इंडिया बाय द मेकिंग इराक एज अ हेडक्वार्टर. 1907 इन द इंटरनेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन द स्टुटगार्ट जर्मनी. यहाँ पे चंपक रमन पिल्लई ने हिंद राष्ट्रीय स्वयंसेवक दल की जर्मनी में स्थापना की ताकि वो इराक को टारगेट करके इराक को हेडक्वार्टर बना के इंडिया के अंदर हमला करवा पाए. इंटरनेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस की रचना करके जो जर्मनी में थी. द नेशनल फ्लैग्स प्रिपेयर बाय द मैडम कामा वॉज होस्टेड द फर्स्ट टाइम्स. और उस टाइम पर मैडम कामा ने जो पहला इंडियन नेशनल फ्लैग बनाया था वो होस्ट किया गया था. राजा महेंद्र प्रताप फॉर्म द प्रोविजनल इंडिपेंडेंट गवर्नर अंडर द राष्ट्र प्रमुख इन अफगानिस्तान इन विच द बरखतुल्ला अबिदुल्ला और मौलाना बशीर शामशेर सिंह डॉक्टर मधु सिंह एक्सेट्रा ज्वाइन. धीरे धीरे करके राजा महेंद्र प्रताप ने जो भी अफगानिस्तान में राष्ट्र प्रमुख बनाई थी, जो गवर्नमेंट बनाई थी, उनके अंदर धीरे धीरे बरखतुल्ला अबिदुल्ला मौलाना बशीर शमशेर सिंह और डॉक्टर मधुर सिंह ज्वाइन हुए थे. दिस गवर्नमेंट मेड द एफर्ट टू हेल्प द रशिया टू गेट द हेल्प फ्रॉम द रशिया इराक एंड टर्की. और ये जो गवर्नमेंट थी वो रशिया इराक और टर्की से जो मदद ला पाने की काम करते थे. दे ऑल्सो मेड द टर्किश चीफ अनवर पशवा एंड द गवर्नर. वो टर्किश के एक्चुअली जो चीफ थे उन टाइम पे अनवर पशवा और उनके गवर्नर थे उन्हें भी मिले थे और ये सब चीज़ों के बारे में बताया था. कॉन्स्परेंसी बनाई थी उन्होंने. गालिबनामा रिटन ऑन देन रेशमी रुमाल सिल्क हैंडकरचीफ उसका मतलब होता है. आस्किंग ऑल द मुस्लिम टू यूनाइट एंड फाइट अगेंस्ट द क्रिश्चियंस वॉज एक्सपोज. सब लोगों ने मिलकर एक कॉन्स्परेंसी की रचना की थी, दैट मीन्स गालिबनामा, जिसमें रेशमी रुमाल उनका जो रिटर्न था उसके ऊपर रेशमी रुमाल लिखा हुआ था. सारे मुसलमान को यूनाइट करने का एक संदेशा लिखा गया था जहाँ पे क्रिश्चियंस को मतलब ब्रिटिशर्स को एक्सपोज करना था उनका मकसद. राजा महेंद्र प्रताप सेंट अ गोल्डन स्ट्रिप्स विद हिज सिग्नेचर टू द रशियन टसार. महेंद्र प्रसाद ने उस टाइम पे टसार राजा का राज हुआ करता था. रशियन रिवॉल्यूशन हम लोग पढ़ के आए आगे. उन्होंने गोल्डन स्ट्रिप्स भेजी थी विच ही हैड रिक्वेस्टेड द टसार टू सेवियर ऑल द टाइड विद इंग्लैंड. उन्होंने यहाँ पे टसार को, जो रशिया के टसार थे, उन्होंने वहाँ पे उनको रिक्वेस्ट की थी टसार को टू सीवर ऑल द टाइट्स विद इंग्लैंड और इंग्लैंड के साथ कुछ फाइट लेने के लिए उन्हें रिक्वेस्ट की थी. रशियन रिवॉल्यूशन ट्रॉट्स्की हैड प्लीज ऑल हिज सपोर्ट टू द इंडियन रिवॉल्यूशनरी और रशियन रिवॉल्यूशन के जो ट्रॉट्स्की थे उन्होंने फुल सपोर्ट किया था. सोहनलाल पाठक इन देन बर्मा एंड देन परमानंद इन देन सिंगापुर कैरीड ऑन द रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी. और सोहनलाल पाठक जो बर्मा में थे और परमानंद थे सिंगापुर में, उन्होंने ये एक्टिविटीज़ में सपोर्ट किया था. इन एडिशन टू दिस कामाक्ता मारू एंड देन तोशा मारू स्टीमर्स इवेंट. यहाँ पे दो स्टीमर के नाम बताया हुआ है. प्रोवाइडेड इंस्पिरेशन टू द इंडियन रिवॉल्यूशनरी स्टेइंग अब्रॉड टू द फाइटिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश. ये दो जो स्टीमर थे उन्होंने इंस्पायर किया था इंडियंस को कि कैसे आप ब्रिटेन में, बाहर कंट्री में रहकर भी ब्रिटिश के खिलाफ कैसे मोर्चा लगा सकते हो उसके बारे में. द इंडियन यूथ इन द एज ऑफ 1824 ईयर वर मेनली इन्वॉल्व इन द रेडिकल फ्रीडम मूवमेंट. बहुत सारे लोग जो स्पेशली 18 to 24 ईयर की एज में थे उन्होंने अपने आप को ये फ्रीडम, जो रेडिकल मूवमेंट थी फ्रीडम की, उसमें अपने आप को झोंक दिया था. दे यूज टू कैरेड आउट एनी काइंड ऑफ थ्रिलिंग एक्ट एज दे डिड नॉट फियर द डेट. उन्होंने बहुत सारी एक्टिविटी की थी क्योंकि जो जवान थे वो अपने डेट के बारे में, अपनी जान के बारे में ना सोच के इंडिया की फ्रीडम के बारे में सोच रहे थे. वेन द कॉट दे रेडिली
एम्बेस डेथ शूटिंग स्लोगन लाइक इनकलाब जिंदाबाद, और जब वो पकड़े जाते थे तो वो बोलते थे इनकलाब जिंदाबाद वंदे मातरम, जस्ट टू शो कि वो अपनी मदर इंडिया के लिए फ्रीडम चाहते थे। द सेक्रीफाइस वुड प्रोवाइड इंस्पिरेशन टू द यंग जनरेशन फॉर द एजेस, और उनकी कुर्बानी बहुत सारी जो यंग जनरेशन थी आने वाली जनरेशन के लिए इंस्पिरेशन का काम करी। थैंक यू सो मच। आगे की पढ़ाई हम लोग पार्ट टू में करेंगे। अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब आइकन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए। कमेंट में ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी, और लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।